मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिमंडी शहर के रजा एकेडमी के शहर अध्यक्ष मोहम्मद शकील रजा साहब को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें व्हाट्सएप पर रात के समय करीब 3:30 बजे के आसपास में किसी अज्ञात व्यक्ति ने दिया है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के साथ भी व्हाट्सएप पर गाली गलौज का मैसेज इन्हें मिला है। बताया जा रहा है कि मैसेज में ये लिखा है कि उन्हें 2 दिन के अंदर ही जान से मार दिया जाएगा, ऐसी धमकी दी गई है। जिसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने एसीपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया और एसीपी सुनील वाटके ने भी उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या कुछ बताया है इस धमकी भरे मैसेज मिलने के बाद मोहम्मद शकील रजा साहब? कल रात को तकरीबन जो है 3:08 पे मुझको एक अननोन नंबर से मैसेज आया कि अगर तू इलेक्शन में खड़ा हुआ तो अच्छा नहीं होगा और तेरे रास्ते से हटा देंगे और तेरी लाश के इतने टुकड़े करेंगे कि कहीं मिलेगी नहीं, ऐसी जगह फेंकेंगे कि मिलेगी नहीं। फिर नाम भी कंफर्म कर रहा है कि तू शकील रजा है ना। फिर उसमें लिखा है कि 2 दिन में तेरे को ख़त्म कर देंगे। ऐसा उसने कंटिन्यू काफ़ी मैसेज भेजा उसने। ये तो चलो जान से मारने की धमकी या गालियाँ भी दी, उसके साथ साथ में घर की औरतों के बारे में बहुत ही गलीज बातें या गंदी गालियाँ, यानी इसको मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, किसी को बता भी नहीं सकता हूँ। तो ये मैं रात में मैसेज आया है, इसमें टाइमिंग 3:08 का है। अब मैं सुबह फजर की नमाज़ में उठा तो वहाँ जब मोबाइल मैंने ऑन किया तो सुबह मैंने फजर के बाद ये मैसेज देखा और मैं बहुत कोशिश किया पहचानने की, वो आदमी पहचान का भी नहीं है, वो नंबर भी जो है जानने वाला नहीं है, नो नंबर है बिल्कुल, कौन है, बड़ा हैरत हुई। लेकिन उसको तो जान से मारने की या जो धमकी उसमें दिया है कि लाश के गायब कर देंगे, ऐसा उससे आज सदमा उन गालियों का है जो उसमें मुगलजात तो हमने हमारे घर की लेडीज़ के बारे में बोला है उसने, तो बड़ा सदमा हुआ। तो ग्रुप वालों ने मशवरा हुए और इसके मामले में फिर इसकी जो है एप्लीकेशन तैयार किए, एसीबी साहब के ऑफिस में गए आज 3:30 दोपहर में। वहाँ पर जो है भिवंडी एनसीपी के प्रेसिडेंट शोएब गुड्डू साहब भी आ गए थे और काफ़ी लोगों ने जो है वहाँ पर फ़ोन लगा के टाउन किया और काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। एसीबी साहब ने शानदार अच्छी मीटिंग की, उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने कहा कि जितना हो सकेगा उतनी तेज़ी से इस पर अमल किया जाएगा और उसको लेके आएंगे इंशाल्लाह। फिर वहाँ से जो है भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन कुमारवाड़ा भेजा गया, वहाँ पर गए, वहाँ के सीनियर के साथ मीटिंग हुई, फिर उन्होंने जो है उसमें गुना दाखिल किया, जो भी कलम बत्ती है 507 वगैरह गुना दाखिल किया, फिर वहाँ से आए हैं। अब ये गुजार उम्मीद है कि पुलिस जो इस मामले में अच्छा अमल करेगी और जितनी जल्दी हो सकेगा उसको ढूंढ के लेके आएगी, इसलिए कि ऐसा कौन आदमी जिसको जो है मुझको इतनी तकलीफ़ है कि डायरे को जो है गालियाँ भी दे रहा है, बहुत ही गलीज गालियाँ दिया, यानी नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर वो कहाँ सामने आ जाए तो वो जान से मारने की जो बात की वो भूल जाएगा आदमी, वो गाली जहन में आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि कानून हाथ में ले जाए। मगर जो है मुझको काफ़ी फ़ोन आ रहे थे तो मैंने कहा कि चलो ये बाइट बना के वीडियो बना के लोगों को पैगाम दे दिया जाए कि कानूनी कार्रवाई हो चुकी है और पुलिस मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, फ़ौरन उन्होंने गुना दाखिल भी कर लिया है बोला है उसने, तो बहुत सदमा हुआ। तो ग्रुप वालों ने मशवरा हुए और इसके मामले में फिर इसकी जो है एप्लीकेशन तैयार किए, एसीबी साहब के ऑफिस में गए आज 3:30 दोपहर में, वहाँ पर जो है भिवंडी एनसीपी के प्रेसिडेंट शोएब गुड्डू साहब भी आ गए थे और काफ़ी लोगों ने जो है वहाँ पर फ़ोन लगा के टाउन किया और काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। एसीबी साहब ने शानदार अच्छी मीटिंग की, उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने कहा कि जितना हो सकेगा उतनी तेज़ी से इस पर अमल किया जाएगा और उसको लेके आएंगे इंशाल्लाह। फिर वहाँ से जो है भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन कुमारवाड़ा भेजा गया, वहाँ पर गए, वहाँ के सीनियर के साथ मीटिंग हुई, फिर उन्होंने जो है उसमें गुना दाखिल किया, जो भी कलम बत्ती है 507 वगैरह गुना दाखिल किया, फिर वहाँ से आए हैं। अब ये गुजार उम्मीद है कि पुलिस जो इस मामले में अच्छा अमल करेगी और जितनी जल्दी हो सकेगा उसको ढूंढ के लेके आएगी, इसलिए कि ऐसा कौन आदमी जिसको जो है मुझको इतनी तकलीफ़ है कि डायरे को जो है गालियाँ भी दे रहा है, बहुत ही गलीज गालियाँ दिया, यानी नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर वो कहाँ सामने आ जाए तो वो जान से मारने की जो बात की वो भूल जाएगा आदमी, वो गाली जहन में आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि कानून हाथ में ले जाए। मगर जो है मुझको काफ़ी फ़ोन आ रहे थे तो मैंने कहा कि चलो ये बाइट बना के वीडियो बना के लोगों को पैगाम दे दिया जाए कि कानूनी कार्रवाई हो चुकी है और पुलिस मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही है और बहुत अच्छा
रिस्पॉन्स दे रही है, फौरन उन्होंने गुनाह दाखिल भी कर लिया है। तो पुलिस ने कहा कि अवाम को कही है कि जो है किसी किस्म का ऐसा काम ना करे, कोरोना टाइम भी चल रहा है तो जमा ना हो और किसी किस्म की ऐसी बात उतना करे, ये कोई ऐसा काम नहीं करे कि जिससे अमन को खतरा हो या माहौल ख़राब हो। बाकी अल्लाह का फल करम कि पुलिस काफ़ी अच्छा जो है इसमें काम कर रही है।